हाँ जी, तो देखिए मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात करने वाले हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइसेस के बारे में। तो जो गिरावट आज देखने को नहीं मिली, मतलब जो आप देख रहे थे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर देख रहे थे कि आज ज़्यादा ही गिरावट मिलेगी कि 3-4% की, लेकिन वो ज़्यादा गिरावट नहीं रही और वो बिल्कुल ही कम गिरावट के में आ गया है स्टॉक। बिल्कुल है तो गिरावट, लेकिन बहुत ही कम बची है, पॉजिटिविटी की तरफ मूव है। तो इसकी मेन रीज़न कुछ न्यूज़ बेसिस भी है, तो मैं न्यूज़ पे भी चलूँगा। पहले उससे पहले कह देता हूँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाएँ जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर न्यूज़ बेसिस पे जाया जाए तो आप देख सकते हैं 2 दिन पुरानी न्यूज़ के इम्पैक्ट इसके ऊपर आए। लेकिन आप देखिए, SBI म्यूचुअल फंड टू लॉन्च SBI बैलेंस एडवांटेज फंड नाउ डिटेल्स। तो ये जो फंड है, ये SBI म्यूचुअल फंड अनाउंस करने वाला है। और आपको पता है SBI का सब्सिडरी SBI म्यूचुअल फंड, तो उस वजह से पॉजिटिविटी देखने को मिली, क्योंकि खूब इन्वेस्टर का ये है कि ये जो फंड है वो बहुत बढ़िया हो सकता है और इसमें खूब सारे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ही न्यूज़ है, ज़्यादा आप देख सकते हैं SBI पे पॉजिटिव ही न्यूज़ आ रही है इतने टाइम से। तो इस वजह से उछाल देखने को मिल सकता है स्टॉक में। 5 दिन से आप देख सकते हैं गिरावट रही, अब उनका कमबैक मिलने को मिलेगा। 6 महीने में आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गिरा उछाल नहीं रहा, अब देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 111% 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 65, लेकिन अगर हम देखें इस टाइम तो 160% इसमें उछाल देखने को मिला पिछले 2 साल में, और ऑल टाइम में 2733। तो वो बढ़िया उछाल है। अगर फाइनेंशियल की बात कर ले हमें स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना है, 1955 का है और लगभग 2-2.5 लाख इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। साथ में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नेपाल, SBI बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI कार्ड, इसकी सब्सिडरी। जून वाला क्वार्टर बढ़िया गया, मार्च वाला में आप देख सकते हैं थोड़ी सी गिरावट रही, दिसंबर वाले में भी और सितंबर वाला जब बहुत सारी कंपनी घाटा खा रही थी, जब बढ़िया परफॉर्मेंट किया। और साथ में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसकी कि 43 लार्जेस्ट बैंक है वर्ल्ड के अंदर, 221 आता है फॉर्चून ग्लोबल के अंदर, जो लिस्टेड बिगेस्ट कॉरपोरेशन है रह चुका है उसके अंदर, और ये पहला बैंक है और ओनली बैंक है जो इस लिस्ट के अंदर आता है। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।